नमस्त संस्कृता है संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल पेपर किसका, बिहार का। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता कहते हैं, चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता अस्ति किसे कहते हैं, जय महाभारतम रामायणम अग्निपुराणम। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, लेकिन कैसे पढ़ा था, रामायण का अपर नाम एक तरह से। तो चतुर्विंश सहस्त्री संहिता ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, अस्थि तो किसे कहा जाता है, जय को कि रामायण को, महाभारत को, अग्निपुराण को, तो रामायण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक है, इसीलिए चतुर्विंश सहस्त्री संहिता कहा जाता है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शोक श्लोकत्वम आगतः किसके लिए कहा गया है, मां निषाद प्रतिष्ठा तुमग्गम शाश्वती क्षमा, ऐसा आपने रामायण में पढ़ा होगा, वाल्मीकि ने कहा है। तो सीता वाल्मीकि बहुभूत व्यास, तो हमने आपको बता ही दिया किसने कहा है, वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी रामायण के आदि, रामायण आदि काव्य है, वाल्मीकि जी आदि कवि हैं जो कि रामायण को लिखे हैं, और उसी में उन्होंने क्रौंच पक्षी को देखा। एक क्रौंच पक्षी को निषाद ने क्या किया था, मार दिया था, तो वो उनके सामने ही तड़पते हुए मर गया। और दूसरा जो क्रौंच था वो रोने लगा, या क्रौंची विलाप करने लगे, तो फिर वाल्मीकि के मुंह से अचानक ही ऐसा निकल गया मां निषाद ये श्लोक, ठीक है। तो ये किसके लिए कहा गया, वाल्मीकि जी के लिए कहा गया। वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की, तो ये भी आपको पता है कि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की, रामायण की। अब सही है ना, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की, तो महाभारत रामायण गीता उत्तरामचरित, तो वाल्मीकि ने रामायण की किसकी, सात कांड है बताया गया, 24,000 श्लोक है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, ना अहम जानामि के यूरे ना अहम जानामि कुंडले नुपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। अयम श्लोक है रघुवंशस्य रामायणस्य महाभारतस्य उत्तरामचरितस्य, जो श्लोक है कहाँ का है, रामायण से है कि महाभारत से है कि रघुवंशम से है कि उत्तरामचरितम से, तो आपको बताना है ये कहाँ का है। न मैं केयूर मतलब बाजूबंद को जानता हूँ, न मैं कुंडल को जानता हूँ, इनू पूरे तो भी जाना, मैं केवल पायल को जानता हूँ, क्योंकि नित्यम हमेशा पादाभिवंदन, मैंने पैरों की ही वंदना की है, ऐसा लक्ष्मण जी सीता जी के विषय में कहते हैं राम जी से रामायण में। इसमें वैसे भी राम की और लक्ष्मण की सीता की बात होगी, तो क्या होगा, रामायण ही होगा। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, जब सीता जी के गहने आभूषण मिलते हैं, जब गायब हो जाती हैं, अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो उस समय जब उन कहते हैं क्या राम, क्या लक्ष्मण तुम इसको पहचानते हो, तो यह बोलते हैं कि मैं ना तो केयूर, क्योंकि मैंने नज़र भर के कभी सीता भाभी को देखा ही नहीं, हमेशा मैंने उनके पैरों की वंदना की, तो मैंने पैर में क्या पहने जाते हैं, नूपुर पायल, तो मैंने केवल पायल को देखा, इसलिए मैं केवल पायल को जानता हूँ, बाकी कुछ को, कान में क्या पहनती हैं, नाक में क्या पहनती हैं, गले में क्या पहनती हैं, सब मैंने नहीं देखा। तो यह श्लोक कहाँ का है, रामायण का है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, महाभारत कैसा ग्रंथ है, बताना है महाभारत कैसा ग्रंथ है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, कि धार्मिक है, कि नैतिक है, कैसी है, पक्का ना, सामाजिक तो नहीं है, हाँ तो ऐतिहासिक काव्य है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत को कहा जाता है, महाभारत को क्या कहा जाता है, जय संहिता, आदि काव्य, अरण्य संहिता, सौप्तिक संहिता। तो आपको पता है कि जय संहिता, भारत, फिर महाभारत, ऐसा करके महाभारत का नाम हुआ है। आदि काव्य हमने बताया रामायण को कहा जाता है, किसको, रामायण, क्यों, क्योंकि सर्वप्रथम लिखा गया काव्य है रामायण, इसलिए उसे आदि काव्य कहते हैं। जय संहिता इसका उत्तर सही हो जाएगा, ए क्या होगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए, विश्व साहित्य इतिहास बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायणम महाभारतम शिष्यपालवधम श्रीमद् भगवद गीता। तो विश्व साहित्य में 1,00,000 श्लोक है, किसमें, महाभारत, इसीलिए सबसे बड़ा श्लोक, सबसे बड़ा काव्य माना जाता है महाकाव्य, क्या, महाभारत। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। आइए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च पुराणम पंचलक्षणम, इस श्लोक में प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ है। आपको बताया गया था पुराण के 5 लक्षण बताए गए थे, ठीक है, जिसमें से क्या है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, और वंश है, मनवंतराणी है, और एक बचा वंशानुचरित है, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या इसमें प्रतिसर्ग का मतलब पूछा, इसका मतलब आपको सर्ग का, प्रतिसर्ग का, वंश का, मनवंतराणी का, वंशानुचरित का, पांचों का अर्थ पता होना चाहिए। तो प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ है, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, देवभूमि, क्या है। सर्ग मतलब होता है उत्पन्न होना, और प्रतिसर्ग मतलब प्रलय होना, नष्ट होना। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिसर्ग मतलब का अर्थ हो जाएगा प्रलय, विकल्प सी
सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पुरा नवम भवति इति पुराण शब्द निर्वचनम कह कृतवान। ये जो पुरा नवम भवति ये जो निर्वचन हुआ है शब्दों का, ये किसने किया है? पहले तो पुराण शब्द का निर्वचन है, पुराण की तरह से परिभाषा है। क्या पुरा नवम भवति तो किसने किया है? गार्ग ने, कि व्यास ने, कि मधुसूदन सरस्वती ने, कि यास्क ने? किसने? यास्क ने क्यों किया? क्योंकि निरुक्त में शब्दों का निर्वचन ही बताया गया है और निर्वचन करने वाले कौन है? यास्क हैं। ठीक है, तो इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यास्क। क्या हो जाएगा? यास्क। चलिए अगले प्रश्न में, उप पुराण है, आपको पुराण की संख्या पता है कितनी है? कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है। कितनी? 18 पुराण है। तो आप 18 पुराण को यदि जानते होंगे तो उप पुराण आराम से जान जाएंगे। तो बताइए पुराणों की संख्या। वो पहला पुराण, चलिए मत्स्य पुराण, और आप बोलते जाइए मारकंडे, मारकंडे गलत कर दिए। चलिए और भविष्य पुराण है, भागवत है, ध्यान रखिएगा सब लोग, भागवत। और ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त, विष्णु पुराण, फिर वामन पुराण, वराह, वायु पुराण, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, फिर नारद पुराण, फिर पद्म, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। ये आपके 18 पुराण हैं। क्या हैं? मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, विष्णु, वामन, वराह, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण। ये 18 पुराण। इसके अलावा जो आपको दिखे वो क्या है? उप पुराण है। स्कंद पुराण आपको आखिर में दिख गया होगा, वायु पुराण दिखा होगा, गरुड़ दिखा, कालिका पुराण नहीं होगा। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए आपको 18 पुराण, 18 अध्याय महाभारत के नाम, 18 पर्व गीता के, 18 अध्याय, इन सब का नाम पता होना चाहिए। तो विकल्प आपका सी सही उत्तर हो गया ना। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुत्रेण सहागतः पिता इत्यर्थ किम पदम अप्रधानम। पुत्र के साथ पिता आया ना, ये इसमें कौन सा पद प्रधान है ये बताना। सह पिता पुत्रेण आगतः, देखिए सहयुक्त है प्रधान है, में तृतीया होती है सह के, सह साकम समम सार्धम के योग में, तो यहाँ सह दिख रहा है, सह के पद में तृतीया हुई किसमें? अप्रधान में। तो अप्रधान कौन है? पुत्रेण। पुत्रेण में तृतीया हुई है, ये अप्रधान है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देवदत्ताय रोचते मोदका पथि। देवदत्त को क्या अच्छा लगता है? कहाँ? रास्ते में। तो यह वाक्य में प्रेमाण किम, प्रेमाण मतलब चाहने वाला कौन है, पसंद करने वाला कौन है, वो कौन है? पथि रोचते मोदका देवदत्ताय। क्या है? देवदत्ताय। विकल्प डी सही उत्तर। कौन सा सूत्र है? रुच्यर्थानाम प्रेमाणः। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच्य इत्यत्र अलम पदस्य अर्थ। देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये तो आपको पता है, पर यहाँ आपको बताना है कि जो अलम पद है इसका क्या अर्थ है, अर्थ बताइए। निषेधार्थक, पर्याप्त्यर्थ, या बहुअर्थ, अधिकार्थ। तो क्या हो जाएगा? पर्याप्त के अर्थ में है। जो अलम पद है किसके अर्थ में है? देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा का अलम जो है वो पर्याप्त अर्थ में, और जगह अलम आएगा दूसरे अर्थ में होगा। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अपवर्गे तृतीया इत्यस्मिन सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थ अर्थ अस्ति। मोक्षे निष्कृष्टे वर्गे वर्जित वर्गे फल प्राप्त। तो जो अपवर्गे तृतीया सूत्र आप पढ़ते हैं उसमें जो अपवर्गे शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो फल प्राप्ति। क्या है? विकल्प डी कहते हैं कि फल प्राप्ति हो जाएगी तो ही तृतीया होगी। वहाँ अपवर्गे कहने का अर्थ ही है कि कोई काम आप कर रहे हैं फल की प्राप्ति हो गई तो तृतीया लगाएंगे, अन्यथा काला दोनों रत्यन संयोगे लग जाएगा द्वितीया। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलिए, प्रातिपदिकार्थे का विभक्तिर भवत। प्रातिपदिक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? कारक पढ़ेंगे बताएंगे। पहला ही विभक्ति है सप्तमी, द्वितीया, चतुर्थी, प्रथमा। तो पहली विभक्ति क्या आएगी? प्रथमा आएगी। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कर्तृवाच में कर्म की कौन सी विभक्ति में आता है? कर्तृवाच में कर्म की विभक्ति पूछी जा रही है ना कि कर्मवाच में, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से बताना है। प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, बताइए। कर्तृवाच में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती है आप लोग बताइए? क्या? द्वितीया। विकल्प बी सही उत्तर। अगर कर्तृ कर्मवाच होता तो कर्म में क्या होती? प्रथमा।
कर्म पूछ रहा है। देखिए कर्तवाच में कर्म है द्वितीया और कर्मवाच में कर्म है प्रथमा होती है, ऐसा विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामः अश्वं ग्रामं नयत, इसका कर्मवाच्य होगा। रामः अश्वं ग्रामं नयत, बताइए क्या होगा। हाँ देखिए रामः अश्वं गलत है, रामेण अश्व ग्रामं नयते ये भी गलत है, रामेण ग्रामः अश्वं नयते ये भी गलत है, रामेण अश्व ग्रामं नियते ना, यही सही है, क्योंकि नयते बनता ही नहीं है, नियते बनेगा। राम हमेशा कर्ता तृतीया में होगी तो गलत हो रहा है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तारापीठ का पुत्र है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, तारापीठ का पुत्र कौन है। शुक्रा चंद्रापीठ वैशंपायन पुंडरी, कौन है चंद्रापीठ, चंद्रापीठ के पिता कौन है तारापीठ, ठीक है। माता कौन है विलासवती, माता कौन है विलासवती। शुक्रनाश के पुत्र कौन है वैशंपायन, इनकी वैशंपायन की माता का नाम मनोरमा। पुंडरीक किसके, लक्ष्मी और श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें, जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कादंबरी कथा का प्रधान नायक बताइए, चंद्रापीड़ जावाल वैशंपायन कपिनजल, तो कादंबरी कथा का प्रधान नायक कौन है, चंद्रापीड़ है, कौन है ये भी आपको बताया गया, तो नायिका कौन है कादंबरी खुद है, और चंद्रापीड़ कौन है नायक है, वैशंपायन क्या है सहनायक कह सकते हैं, उनका मित्र है चंद्रापीठ का मित्र है वैशंपायन। कपिंजल कौन है जो कि घोड़ा बन जाता है बाद में, वही कपिंजल है, इंद्रायुध घोड़ा बनता है। जावाल कौन है, जावाल ऋषि है जिसमें तोता जाता है, जहाँ पे सारी बात पता चलती है कि ये सुख की योनि में क्यों पड़ा है, ये कैसी सजा भुगत रहा है, क्यों भुगत रहा है, ऐसा जावाल आश्रम में जावाल ऋषि खुद बताते हैं। तो विकल्प सी ए सही, और जावाल के पुत्र का नाम हारित था, क्या था हारित। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाणभट्ट की कादंबरी क्या है, कथा है कि मुक्तक है कि आख्यायिका है कि महाकाव्य, जैसा आपको बताया गया था कादंबरी कथामुख, हम लोग कैसे पूरा किताब का नाम बोलते हैं कादंबरी कथामुखम, तो वहीं से पता चल जाता है क्या है कादंबरी कथा है। मुक्तक काव्य क्या है नीति शतकम, चंडी शतकम भी, आख्यायिका क्या है हर्षचरितम, महाकाव्य क्या है महाकाव्य, बहुत सारे रघुवंशम किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम ये सब महाकाव्य हैं। चलिए शिवराज विजय से मंगलाचरणम वर्तते, शिवराज विजय का मंगलाचरण है। अंबिका दत्ते ने लिखितम अस्ति महाभारतात् उद्धृतम अस्ति श्रीमद् भगवद गीताया उद्धृतम अस्ति श्रीमद् भागवत पुराणात् उद्धृतम अस्ति, तो शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो कहाँ से आए, श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है ना, हाँ उन्होंने खुद नहीं लिखा था, भागवत पुराण से उद्धृत किया है, तो हाँ विश्वर माया, ठीक है याद है सबको, विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। शिवराज विजय इति रचनायाः नायकः अस्ति, शिवराज विजय के रचना के नायक कौन है, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी गौर सिंह औरंगजेब अफजल खान, तो आपको बताना है शिवराज विजय के रचना के नायक कौन है, कौन है शिवाजी है, कौन है महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, गौर सिंह और श्याम बटू कौन थे, आश्रम में रहने वाले दो बालक थे ना, बटू बालक थे। औरंगजेब कौन है, अरे ये प्रतिनायक के तौर पे है एक तरह से, अफजल खान भी उसी दूत उत रहते हैं किसी के, हाँ उसी के पात्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। शकुंतला को शाप दिया था कर्ण ने, विश्वामित्र ने, मारीच ने, दुर्वासा ने, तो जाहिर सी बात है सुलभ कोपो महर्षि कौन है दुर्वासा, इन्होंने श्राप दिया था, ठीक है किसको, शकुंतला को चतुर्थंक में, पहले चिंतियंती मानसा ना, मुझे ध्यान नहीं दे रही हो, जाओ जिसके चिंतन में तुम बैठी हो उसी वही तुमको भूल जाएगा, ऐसा करके निकल लेते हैं। प्रेमवदा आती है मनाती है तो जानो कहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ उनकी दी गई वस्तु होगी अगर उनको दिखाएंगे तो शाप खत्म हो जाएगा। ज्ञान शाकुंतला में विदूषक है सारंग्रह मातरी माधव वसंतक, तो विदूषक कौन है माधव, ठीक है। सारंग्रह कौन है कर्ण, सारंग्रह सारद्वत कर्ण ऋषि के शिष्य हैं। मातल कौन है, यह इंद्र का सारथी है। और वसंतक कौन है, वसंतक चले जाइए स्वप्नासु दत्तम में, वहाँ का विदूषक है, ठीक है तो ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है, क्या उपजीव्य ग्रंथ है, भागवत पुराण रामायण वेद महाभारत, ठीक है कहाँ से आदि पर से है ना, हाँ तो क्षम्यताम, देखिए ऐसी होता है गोला गोलिया देता है इंसान, महाभारत होगा, क्या होगा महाभारत, विकल्प कौन सा सही है सी, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है महाभारत। चलिए आदि पर से लिया गया है। अनसुईया किसकी सखी है, देखिए अभी पूछा गया था प्रेमवदा किसकी सखी है, मतलब शकुंतला की सखी कौन थी प्रियंवदा, अब क्या आ गया अनसुईया किसकी सखी थी बताइए, उर्मिला की, शकुंतला, सीता, गौतमी, तो अनसुईया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला की सखियां हैं, ठीक है।
सीता कौन है? सीता राम की पत्नी है, उर्मिला सीता की बहन है, सीता उर्मिला की बहन है। गौतमी कौन है? ये कर्ण आश्रम की अध्यक्षा रही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतिक संबंधित है, अब अभिज्ञान शब्द से क्या मतलब निकलता है, अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है ये बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान नाम क्यों पड़ा? नुपुर, पायल, अंगूठी, अंगूठी, कंकड़, कंगन, कंकतम, तो आप बताइए क्या है? अंगूठी है। और अंगूठी के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। अंगूठी दुष्यंत देते हैं, ये हुआ था कि उसको दिखा देंगे तो श्राप से मुक्ति होगी। पता चला सची तीर्थ में गंगा जी को जलाभिषेक की, उसमें चली गई, गई वहाँ बहिष्कृत हो गई, नहीं पहचाने, श्राप का असर दिख गया। फिर बाद में अंगूठी मिलती है, फिर उनको अपना वो सब याद आता है पिछला, फिर उनको बहुत गिल्ट होता है, फिर ऋतु ऋतु मनाना सब उत्सव मनाना बंद कर देते हैं। फिर जाके वहाँ मारिच आश्रम में भेंट होती है उनकी, मिलन होता है ना। हाँ, हेमकूट पर्वत पे मारिच ऋषि रहते थे, वहाँ मिलन होता है। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंग में कुल कितने श्लोक हैं, यहू पूछा जाता है? 42, 46, 22, 25, कितने हैं? 22। अंतिम श्लोक है, अर्थो ही कन्या पर की एव, ठीक है, 22 श्लोक हैं, विकल्प भी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वप्न औसत दत्तम किस प्रकार का रूपक है? प्रकरण है कि संवकार है कि डीम है कि नाटक है? तो स्वप्न औसत दत्तम जैसे आप पता है भास का क्या है? नाटक है। 13 नाटक ही लिखे हैं, वो नटक ही लिखे हैं। अब भास क्या है? इनके लेखक है, तो नाटक ही होगा। अच्छा अंकों वाला है, कितने अंकों का है? 6 अंकों का नाटक है, बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब वासव दत्ता किस देश की राजकन्या थी? अवंत देश की, मगध की, कौसाम्बी की, गांधार देश की? हाँ, अवंत की थी। कहाँ की थी? इसीलिए इसको अवंतिका भी कहा जाता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा, ठीक है। उदयन थे कौसाम्बी के, मगध की कौन थी? पद्मावती थी, ठीक है। चलिए, स्वप्न औसत दत्तम का नायक किस कोटि का है? 4 प्रकार की कोटियां बताई जाती हैं, धीरोधत, धीर प्रशांत, धीर ललित, ठीक है। तो आपको बताना है 4 कोटियों में उदयन किस कोटि का था, अर्थात स्वप्न औसत दत्तम का नायक तो पहले उदयन जानिए, फिर नायक किस कोटि का था ये जानिए। किस कोटि का था? धीर ललित था। लेकिन राम वगैरह जो है महाकाव्य के जो नायक होते हैं धीरोदात होते हैं, राम है, कृष्ण है, युधिष्ठिर हैं, ये सब क्या हैं? दिलीप हैं, सब धीरोदात हैं। धीर प्रशांत किसके? प्रकरण के। प्रकरण के नायक कौन होते हैं? धीर प्रशांत होते हैं, जैसे कि चारुदत्त है, मालविका अग्निमित्रम का होगा नायक, वो अग्निमित्र। धीरोदत्त किसे कहते हैं? जैसे भीम है, भीम क्या है? परशुराम है। धीरोदात हो गया, धीर प्रशांत हो गया, धीर ललित आपको बताई दी उदयन है। चले अगले प्रश्न की ओर। होता देव कौन है? आपको बताया गया है, होता कौन? इंद्र, पर्जन्य, विष्णु, अग्नि। होता, पुरोहित, कवि, क्रतु, पिशुपति, गृहपति, ये सब कौन है? सब अग्नि है, ठीक है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। चले अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त का स्तुयते, वही बात है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में किसकी स्तुति की गई है? अग्नि की, विश्व की, यम की, वरुण की? तो अग्नि की गई है सर्वप्रथम, किसकी की गई है? अग्नि की। दीर्घतमा कस्य सूक्त से ऋषि ही विद्यते, दीर्घतमा जो है किस सूक्त के ऋषि है? विष्णु सूक्त के, अग्नि सूक्त के, इंद्र सूक्त के, पुरुष सूक्त के? तो किसके हैं दीर्घतमा? अग्नि सूक्त के कौन है? मधुच्छंदा। कौन है? ग्रह समध है साथ इंद्र के। कौन है? ग्रह समध ना, कंफर्म है। अपुरुष सूक्त के नारायण है। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं बताइए? 2, 3, 4, 6। तो कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय, 3-3 वल्ली हैं महारानी। पहले तो 2 ही अध्याय हैं कठोपनिषद में, और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसमें लोग 3 मार सकते हैं, सबका दिमाग 3-3 वल्ली वाला रटा रहता है। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। इंद्रियभ्य प्राहृयर्था हृत्यभ्यस्य परम मनः इत्यंशो वर्तते, अग्नि सूक्ति, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, प्रजापति सूक्ति। यह जो सूक्ति दी गई है, यह जो मंत्र दिया गया है, यह किस उपनिषद से है या कहाँ से लिया गया है बताना है। इसमें इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? विषय है। विषय से श्रेष्ठ क्या है? मन है। मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। बुद्धि श्रेष्ठ क्या बताया गया? आत्मा, ठीक है। तो ऐसा इसमें बताया गया, कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? विकल्प से सही उत्तर हो जाए, कठोपनिषद के वाक्य है। क्री धातो हो आत्मने पद लंग लकार से उत्तम पुरुष के एक वचने रूपम रूपम विद्यते, बताइए। क्री धातु का हो, आत्मने पद में हो, लंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? अकुर्वत,
अकुर्वे अकुरुत अकुर्वी अकुर्वी होगा, कैसे चलेगा? हाँ अकुर्वी अकुर्वही अकुर्मही, ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दा धातो लट प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम भवति। लट मतलब लट लकार में, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनेगा किसका? दा धातु का। ददाति दग्धः दत्तः दत्तः, तो दा धातु है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो ददाति दत्तः ददति, तो दत्तः हो जाएगा ना डी, ददाति दत्तः ददति, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। हाँ लट लकार पूछे हैं, अब आएगा लोट लकार। दा धातु हो लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति। अब ये दा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन बताना है, ठीक है। दत्त ददंतु दत्तः दधात, तो ये देखिए लोट लकार मध्यम पुरुष तो कैसे चलता है, ददातु दत्ताम दे। हाँ तो दे ही बहुत पूछता है, मध्यम पुरुष एक वचन पूछेगा क्या, दे ही, फिर दत्तम, फिर दत्त, मध्यम पुरुष एक वचन है, द्वि वचन है, बहुवचन है, तो यही बनेगा ना, मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा दत्त बनेगा, देहि दत्तम दत्त, अदेहि मध्यम पुरुष एक वचन पूछता है, देहि कहाँ बनता है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में देहि बनता है। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है, भू धातु जो है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, तो भवत भवताम भवंत भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, तो भवानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भवामी भविष्यामी भवान भवानी होगा, क्या होगा, भवान। देखिए लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन भवान ना हो जाता है, क्या हो जाता है, जनरली सबका ना होता है, पठानी लिखानी चलानी ना, इसका ध्यान रखिएगा, गच्छानी, तो यहाँ भवानी है, विकल्प भी सही होता है, लोट लकार उत्तम पुरुष में होता है। अकरोह रूप है, बताइए अकरोह रूप कहाँ चलता है, क्रीधात लोट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन, क्रीधात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्रीधात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्रीधात लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो देखिए अकरोह लंग लकार का है, कहाँ का है और कहाँ बनेगा मध्यम पुरुष एक वचन में बनना चाहिए। हाँ अकरो अकरो अकुरुतम अकुरुत, हाँ ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलें। वेदों की संख्या है, कितनी है वेदों की संख्या, तीन पाँच चार छह, चार है, क्या ऋग्वेद सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, ठीक है, चार प्रकार के वेद बताएगा और छह प्रकार के वेदांग बताए गए हैं, इसको मत भूलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंडल क्रम केन वेदेन संबंध, मंडल क्रम किस वेद से संबंधित है, अथर्वेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, मंडल क्रम, देखिए मंडल क्रम अष्टक क्रम ये जो आप सुनते हैं ये सब किस में है, ऋग्वेद में है, विकल्प बी आपका सही उत्तर है, किसका है, ऋग्वेद का। गद्यात्मक वेद है, गद्यात्मक वेद किसे कहा जाता है, सामवेद को, अथर्वेद को, यजुर्वेद को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, गद्य गद्यात्मक सबसे पहले गद्य की शुरुआत यजुर्वेद में ही हुई है, पद्यात्मक है क्या ऋग्वेद, और गीत वाला गायन वाला वेद कौन सा है, सामवेद, और आधुनिक वेद है अथर्वेद, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामवेद से कति ब्राह्मणानि सन्ति, सामवेद में कितने ब्राह्मण माने जाते हैं, 10 11 8 15, तो देखिए सांड के अनुसार 8 हैं, जनरली कहें कि 9 भी माने जाते हैं पर सांड के अनुसार 8 ही माने जाते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कतिधा वर्तते, तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार के मते समास कितने प्रकार के बताए गए हैं, पंचधा सप्तधा सोढ़ा चतुर्धा, कितने प्रकार के हैं, पंचधा पांच प्रकार के बताएंगे, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, पांच हो गए। हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यथाशक्ति में कितने यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष अव्ययीभाव बहुव्रीहि द्विगु, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव है, प्रतिदिनम में अव्ययीभाव है, प्रत्येकम में अव्ययीभाव है, अधिगोपम में अव्ययीभाव, उपकृष्णम में अव्यय, अधिहरी में अव्ययीभाव है, ठीक है, सहरी में अव्ययीभाव, निर्मक्षिकम में, दुर्यवनम, ये सब में अव्ययीभाव है। हाँ और तत्पुरुष का उदाहरण बहुव्रीहि द्विगु का आप लोग देख लीजिएगा, आपके लक्ष्य विहार में भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ हम ही थोड़ी बता देंगे, क्यों, कुछ आप भी पढ़िए। द्वि यमुनम किस सूत्र से बनता है, द्वि यमुनम किस सूत्र से बनता है, ध्यान रखिएगा किस समास का है और किस सूत्र से है, ये बताया भी जा चुका है। अव्ययी भावश्य नदीभिश्य संख्या पूर्व द्विगु अव्ययी भावे चाकाले, तो पहले तो जानिए द्वि यमुनम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, असूत्र क्या है, नदीभिश्य, क्या है, नदभिष्य, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताया गया था संख्यावाची हो और नदी शब्द हो तो अव्ययीभाव समास होता है, नदभिष्य सूत्र से वो अव्ययीभाव समास होगा। शिव सूत्र जाल किसको कहते हैं, माहेश्वर सूत्र को, अष्टाध्यायी के सूत्र को, वार्तिक सूत्र को, उड़ाद सूत्र को, देखिए शिव सूत्र जाल भी बताया गया, माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं, वर्ण समन्वय कहते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा गया यहाँ, शिव सूत्र जाल किसको कहते हैं, माहेश्वर सूत्रों को, किसको,
हाँ, और महाशय सूत्र कितने हैं? 14 हैं, ठीक है, इसीलिए चतुर्दश भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? आई यू रिल री, आई यू रिल री, सभी स्वर। अक की बात हो रही, अच होता तो सभी स्वर आते, परंतु अक है तो आई यू रिल री। क आता यही खत्म हो जाएगा। प्रत्याहार का मतलब यही है कि जहाँ पे उसका अंतिम वर्ण आए वहीं प्रत्याहार रोक दें। तो आई यू उड़ा हलंत था तो लेते गिनते नहीं है रिल री, और ये अण में आ जाएगा। आयुड़ क्या है? अण में आ जाएगा रिल री क, ये तो कोई बात नहीं। सभी स्वर अच होता तो सभी स्वर आ जाता, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए अच्छा चलें कहाँ, तो आज बस इतना ही। तो ये आपका मॉडल पेपर के क्रम में तो तीसरा है, पर वैसे मॉडल पेपर ये आपका दूसरा है। तो बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।